फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल सुपर ग्लैम स्टाइल। फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ एक बहुत ही अच्छे शैम्पू का रिव्यू, जो कि आप सभी लोग जानते हैं। और ये शैम्पू है पतंजलि केस कांति हेयर क्लेंजर विथ मिल्क प्रोटीन। ये बहुत ही फेमस हेयर शैम्पू है पतंजलि का, और मैंने इसे पर्सनली यूज़ किया, तो मैंने सोचा मैं आप सबके साथ इसका रिव्यू शेयर करती हूँ कि ये कैसा वर्क करता है, ये वर्क करता है नहीं करता है, या कैसा है इसका टेक्सचर, कैसा है इसकी स्मेल, कैसी है, सब कुछ मैं आपको इस बारे में डिटेल से बता दूं कि जो भी पर्सन इसे यूज़ करना चाहे वो इसको यूज़ करे, अदरवाइज़ इसको लीव कर दे, छोड़ दे। तो चलिए आज हम इसके बारे में बात करते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगी कि ये पतंजलि का है, और ये अब तो पतंजलि जो स्टोर है वो हर जगह पर ओपन हो रहा है, तो ये आपको बहुत आसानी से मिल जाएगा, ऑनलाइन भी मिल जाएगा, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं लिंक छोड़ दूँगी। साथ में मैं आपको बताने वाली हूँ कि ये पतंजलि का केस कांति हेयर क्लेंजर है, जिसमें मिल्क प्रोटीन का है। ये आपका 450 ml का मैंने लिया है, क्योंकि मुझे बड़ी बॉटल चाहिए था। आपको छोटी बॉटल में भी 200 ml का ये मिल जाएगा, और इसका जो रेंज है वो है 215 रुपीज़, जो साइड में पीछे लिखा हुआ है 215 रुपीज़ का है। अगर आप छोटा वाला लेंगे तो आपको शायद 80-90 के अबव पड़ेगा। मैंने भी उसे लिया था, पर मुझे अभी प्रेजेंट टाइम में उसका रेंज नहीं पता है, क्योंकि मैंने ये बड़ी बॉटल अब मैंने लेने स्टार्ट कर दिया। रीज़न आप सब लोग समझ ही चुके होंगे, क्योंकि मुझे बेहतर लगा इसीलिए मैंने इस चीज़ को बड़ी बॉटल मैंने अप्लाई यूज़ किया। चलिए ठीक है, अब मैं आपको बता देती हूँ इसमें कि इसमें क्या क्या चीज़ें हैं। तो इसमें जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो है भृंगराज, मेहंदी, नीम, तुलसी, घृतकुमारी। आप सभी जानते हैं ये सारी चीज़ें, घृतकुमारी एलोवेरा को के बोलते हैं, कि ये कितनी हमारे बालों के लिए हेल्दी बनाती है, कितना ही अच्छा बनाती है। साथ में इसमें बेस मटेरियल भी शैम्पू में मिक्स है, लेकिन मुझे लगा कि वो नेचुरल तो बोल रहे हैं, मगर जो बेस मटेरियल है वो केमिकल से मिक्स बना हुआ है, और थोड़ा हल्का ज़्यादा ही लग रहा है। तो वो आप ट्राई करेंगे, यूज़ करेंगे तो आपको पता चल जाएगा। साथ ही ये जो हेयर क्लेंजर है ये फॉर ड्राई एंड रफ़ हेयर वालों के लिए है। तो अगर आपके बाल बहुत ही ड्राई हैं, रफ़ हैं, फ्रिजी हैं, तो आप इस हेयर शैम्पू को ज़रूर यूज़ कीजिएगा। ये आपके बालों को बहुत ही अच्छा सा शाइन भी देता है, हल्का सा, और बहुत ही अच्छा सा आपके, जब आप इसको यूज़ करेंगे तो आपको खुद ही अपने वो जो फिंगर्स, जब अपने हेयर्स को टच करेंगे तो आपको फील होगा कि आपके बाल जो हैं वो पहले की तुलना में, पहले के कंपेरिजन में अब ज़्यादा बेटर हो चुके हैं, ज़्यादा ही सिल्की हो चुके हैं। ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस जो मैं आपसे शेयर कर रही हूँ, तो आप इसे ट्राई जरूर कीजिएगा। और रियल में क्या होता है कि हर किसी के हेयर का टेक्सचर अलग होता है, तो मे भी किस पे मेरा कुछ और रिजल्ट हो, आपका कुछ और रिजल्ट हो, तो वो तो आप एक बार ट्राई करेंगे तभी आपको पता चलेगा। लेकिन अगर आप ट्राई करना चाहते हैं तो इसका छोटा सा शेयर लीजिएगा। वैसे ये छोटे से, बहुत छोटे सेल्से में नहीं आता है, आपको बॉटल में ही मिलेगा, जो कि 80-90 के अबव पड़ेगा, तो बहुत ज़्यादा रेंज नहीं है। आप सब उसे ट्राई भी कर सकते हैं बहुत ही आसानी से। तो अब इसमें हम थोड़ी सी और बात कर लेते हैं इस चीज़ के ऊपर। इसकी जो पैकेजिंग है वो पैकेजिंग बहुत ही बेटर है। यहाँ पे अगर आपको कैच करना पड़ेगा, पकड़ना पड़ेगा, तो वो बहुत ही अच्छा इन्होंने मॉडल दिया है पकड़ने के लिए। साथ में ही इसमें इसको यूज़ कैसे करना है वो भी मैं आपको बता देती हूँ। तो इसको यूज़ करने के लिए आपको क्या करना है कि आपका 2-3 ml या जो भी आपका हेयर लेंथ है उसके अकॉर्डिंग आपको इसको लेना है, और अपने बालों में जो वेट हेयर होगा, जब आप क्लीन करते हो हेयर, तो वेट हेयर पे आपको हल्के से जेंटली मसाज करना है 2-3 मिनट। इतने में आपका फिर उसका क्लीन हो जाएगा, फिर आप उसे नॉर्मल वाटर से क्लीन कर दीजिए। बस टोटली यही है, जैसे कि आप अदर शैम्पू यूज़ भी करते हैं। और ये बहुत ही बेटर है, आपको जो एक बार ट्राई करना चाहिए। ये मिल्क प्रोटीन है, और मैं अब आपको इसका थोड़ा टेक्सचर दिखा देती हूँ कि ये किस टाइप में है। तो उसके लिए मैं बहुत ही लिटिल बिट चाहूँगी कि इसको ये बहुत ही ईजिली यहाँ पे ये निकल जाता है इस बॉटल से। मुझे इसलिए मैंने इस बॉटल को यूज़ किया, क्योंकि अच्छा लग रहा है दिखने में भी, और बॉटल में निकलता भी बहुत आसानी से है। साथ में मेरे हाथ में आप देख सकते हैं कि ये थोड़ा व्हाइट कलर में है, थोड़ा मिल्की कलर में, अच्छा लग रहा है। और इसकी स्मेल जब आप यूज़ करेंगे आप फ्रेंड्स, रियली में बहुत ही प्यारी, बहुत ही स्वीट स्मेल है। और इसकी स्मेल जब आप हेयर वॉश करते हैं तो 2-3 दिन तक इसकी स्मेल आपके बालों में बहुत ही आसानी से बनी ही रहती है, और बहुत ही अच्छी से स्मेल देती है। फ्रेग्रेंस इसकी बहुत ही बेटर है। तो आप जब इसको अप्लाई करेंगे, वैसे भी हम 2-3 दिन में अपने बालों को, अपने हेयर को क्लीन कर ही लेते हैं, तो ये आपके हेयर को बहुत ही अच्छा और बहुत ही अच्छी फ्रेग्रेंस देगी। साथ में अगर आपके बाल बहुत ही ज़्यादा ड्राई हैं फ्रेंड, तो आप कंडीशनर इस्तेमाल कीजिएगा। मैं आपको एक चीज़ और स्पेशली बता देना चाहती हूँ, एक टिप दे देना चाहती हूँ कि कंडीशनर यूज़ कीजिएगा, मगर वो जो केमिकल बेस्ड कंडीशनर होता है, आप सभी को पता है कि जो कंडीशनर होते हैं वो केमिकल बेस्ड ही मार्केट में मिलते हैं, चाहे ऊपर कितना भी नेचुरल चीज़ क्यों ना लिख दिया जाए।
इसलिए कंडीशनर आप अप्लाई कीजिए, मगर हमेशा अप्लाई मत कीजिए क्योंकि वो आपके बालों को नुकसान भी बहुत पहुंचाता है, बहुत डैमेज भी करता है। इसलिए कंडीशनर को कम से कम अप्लाई कीजिए। इसलिए मैंने सोचा कि मैं जो अपना होममेड चीज़ों से कंडीशनर अप्लाई करती हूँ अपने बालों को, क्योंकि मेरे बाल पहले थोड़े ड्राई थे तो उनको मैंने नॉर्मल किया, फिर उससे अब तो वो सिल्की हो चुके हैं। तो मैं सोची थी मैं उसका भी वीडियो आपके साथ शेयर करूँ। तो अगर आपको इसका वीडियो चाहिए तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा, मैं आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगी। तो फ्रेंड्स, ये रहा मेरा आज का रिव्यू। और इसके अलावा मैं एक और पतंजलि का वो शैम्पू का मतलब अप्लाई किया था, यूज़ किया कि मैं देखती हूँ कि वो कैसा लगा, क्योंकि मुझे ये बेटर लगा तो मैंने सोचा मैं उसको भी इस्तेमाल करती हूँ। फिर उसके साथ भी जो एक्सपीरियंस है मैं आपको शेयर करूँगी, तो वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बता दूँगी। तो इसलिए अगर आपको मेरा वीडियो देखना है, आपको उसके बारे में जानना है, और आपको अगर मेरा ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ फ्रेंड मेरे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, साथ में बेल बटन को क्लिक करना मत भूलिएगा, जिससे मेरे जो आगे आने वाले वीडियोस हैं उनके नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। तो चलिए फ्रेंड, मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर और अपना ख्याल रखें।